Hello everyone, I am yours Desh ma'am. In this class I am going to explain the question answer of lesson 4, an Indian American woman in space, Kalpana Chawla. Where was Kalpana Chawla born? Kalpana Chawla kahan pe paida hui? Why is she called an Indian American? Aur unko Indian American kyon kaha jata hai? Her answer is, कल्पना चावला वॉज बोर्न इन करनाल. जो कल्पना चावला थी वो बोर्न इसमें करनाल में पैदा हुई, बट लेटर शी वेंट टू US एंड बिकेम ए नेचुरलाइज्ड सिटीजन देयर. लेकिन बाद में वो USA गई और वहाँ पे वहाँ की स्वाभाविक मतलब प्राकृतिक रूप से वहाँ की वो सिटीजन बन गई. एज शी वॉज मैरिड टू अमेरिकन फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, क्योंकि जो अमेरिकन फ्लाइट इंस्ट्रक्टर था उनके साथ उनकी मैरिज हो गई. और कौन था? जीन पियरे हैरिसन. सो शी इज़ कोल्ड एन इंडियन अमेरिकन, इसलिए उनको इंडियन अमेरिकन कहा जाता है. और सेकेंड क्वेश्चन इज़, वैन एंड वाई डिड शी गो टू द US? वो क्यों और कब US से गई? हु डिड शी मैरी? और किसके साथ उनकी मैरिज हुई? आंसर इज़, शी वेंट टू US फॉर हर मास्टर डिग्री इन एरोनोटिकल इंजीनियरिंग. वो एरोनोटिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री लेने के लिए US से गई. बच्चों ये आफ्टर इंजीनियरिंग के बाद फुल स्टॉप आएगा यहाँ पे. शी मैरिड अ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हैरिसन, और फिर उन्होंने वहाँ जाके एक जो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर था जीन पियरे हैरिसन उनके साथ उनकी मैरिज हो गई. क्वेश्चन 3, हाउ डिड शी बिकेम एन एस्ट्रोनॉट? एस्ट्रोनॉट मीन्स अंतरिक्ष यात्री. वो एक अंतरिक्ष यात्री मतलब एस्ट्रोनॉट कैसे बनी? What gave her the idea that she could be an astronaut? किस चीज़ के कारण उनके माइंड में ये आइडिया आया कि वो एक एस्ट्रोनॉट बन सकती थी? आंसर, she applied for NASA space shuttle program. उन्होंने नासा का जो स्पेस शटल प्रोग्राम था उसके लिए उन्होंने अप्लाई किया. She was first hired as a research scientist at NASA. पहले उनको साइंटिस्ट एज ए रिसर्च साइंटिस्ट लिया गया नासा में. In 1994, she was selected for training as an astronaut. और 1994 में उनको एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किया गया. In this way, she became an astronaut. और इस तरह से वो एक एस्ट्रोनॉट बनी. After qualifying as a pilot, an idea to be an astronaut came to her mind. और जब ये पायलट की जो डिग्री थी मतलब पायलट की जो एजुकेशन ट्रेनिंग ले रही थी उसके बाद उनके माइंड में ये आइडिया आया कि वो एक एस्ट्रोनॉट भी बन सकती हैं. क्वेश्चन 4, व्हाट एबिलिटीज मस्ट एन एस्ट्रोनॉट हैव? ये जो टी है बच्चों ये यू के बाद आएगा. एक एस्ट्रोनॉट के अकॉर्डिंग व्हाट एबिलिटी मस्ट हैव एन एस्ट्रोनॉट हैव अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट? एक जो पत्रकार था, जर्नलिस्ट होता है बच्चों पत्रकार, एक पत्रकार के अकॉर्डिंग एक एस्ट्रोनॉट के अंदर क्या क्या एबिलिटीज़ क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? आंसर, अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट एन एस्ट्रोनॉट मस्ट बी हैव एनॉर्मस एबिलिटी एंड नॉलेज ऑफ एवरीथिंग. एक जो पत्रकार था उसके अकॉर्डिंग एस्ट्रोनॉट के अंदर एनॉर्मस होता है ग्रेट, यहाँ पे आप ग्रेट भी राइट कर सकते हो. बहुत सारी एबिलिटी होनी चाहिए, बहुत बड़ी एबिलिटीज होनी चाहिए और नॉलेज होना चाहिए किस किस का, फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स, बायोलॉजी से लेके एस्ट्रोफिजिक्स तक, टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का भी उसको नॉलेज होना चाहिए. क्वेश्चन 5, डिस्क्राइब कल्पना चावलाज फर्स्ट मिशन इन स्पेस. उनका जो फर्स्ट मिशन था स्पेस में उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है. और आंसर इज, कल्पना चावलाज फर्स्ट मिशन इन स्पेस शटल कोलंबिया लास्टेड 15 days, 16 hours and 34 minutes. कल्पना चावला का जो फर्स्ट मिशन था स्पेस शटल कोलंबिया में वो 15 days, 16 hours, 34 minutes का था. ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 times एंड ट्रेवल्ड 10.45 million kilometers. और इस टाइम के दौरान उन्होंने जो अर्थ थी उसके 252 राउंड्स लगाए और लगभग 10.45 million की जो डिस्टेंस थी वो कवर की. द क्र्यू परफॉर्म्ड वेरियस टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट्स.
क्रू होता है, जो चालक दल में जो सारे मेंबर्स थे उनको मिला के क्या बोलते हैं, क्रू, मतलब मेंबर्स, ग्रुप ऑफ एरोप्लेन मेंबर्स। तो ये जो क्रू थे, मतलब जो क्रू था, ये चालक दल था, इन्होंने लगभग, इन्होंने काफ़ी सारे टेस्ट और एक्सपेरिमेंट किए। क्वेश्चन 6, व्हाट डज कल्पना चावला से अबाउट परस्यूइंग अ ड्रीम, एक सपने को, मतलब एक ड्रीम को फॉलो करने के बारे में कल्पना चावला क्या कहती हैं। डू यू एग्री विद हर दैट सक्सेस इज पॉसिबल, क्या आप उनके इस विचार से सहमत हैं कि जो सक्सेस है वो पॉसिबल है। आंसर, कल्पना चावला सेज दैट इट इज़ पॉसिबल टू चेंज अ ड्रीम टू सक्सेस। कल्पना चावला कहती हैं कि ये पॉसिबल है कि हम एक ड्रीम को सक्सेस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फॉर दिस वन मस्ट हैव विजन एंड क्रेज, इसके लिए मनुष्य को किसकी ज़रूरत है, एक विजन, और मतलब अच्छा सा विजन, एक दृष्टिकोण चाहिए लाइफ के प्रति, एक बढ़िया दृष्टिकोण चाहिए, और उसके अंदर क्रेज होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। यस आई एग्री विद हर दैट सक्सेस इज पॉसिबल, हाँ मैं उनके विचार से पूरी तरह सहमत हूँ कि जो सक्सेस है वो पूरी तरह से पॉसिबल है। बच्चों ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर, आपको वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका जो लेसन है उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने इससे फर्स्ट वाली वीडियो में डाल दी है, और उस वीडियो का जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, यू कैन रीड द लेसन फ्रॉम देयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।